chart following in a wire plot in figure दी हुई है स्केच में करस्पॉन्डिंग करंट. ये करंट के जो चार्ज है इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है हमें मालूम करना है, करंट मालूम करना है और उसका एक स्केच भी बना. तो हमें इसके लिए स्लोप का पता होना लाजमी है जो कि वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन है. ये स्लोप करंट है, आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट नहीं है, स्लोप करंट होगा. तो इसके अंदर टर्मिनल्स पॉइंट्स होंगे 0.0 एक्स में वाई में और यहाँ पे एक्स में टू एक्सिस में और 550 हमारे पास वाई एक्सिस में. और फिर इस पॉइंट पर हमारे पास 6 और हमारे पास माइनस 50 और इस पॉइंट पर हमारे पास 8 और यहाँ पर हमारे पास 0 वाई एक्सिस में. तो सबसे पहले हमें 0 से लेके 2 सेकंड्स तक का हमें जो कि करंट है सॉरी चार्ज है पास हो रहा है किसी एलिमेंट से वो मालूम करना है. तो हमें पता है इसमें m इज इक्वल्स टू सबसे पहले m इज इक्वल्स टू बाय टू सॉरी m इज इक्वल्स टू बाय टू हमारे पास कितना है 50 माइनस वाई वन हमारे पास 0 है और डाउन में हमारे पास वाई एक्स टू हमारे पास 2 है और माइनस 0 इज इक्वल्स टू 25 हमारे पास आता है एम. जब एम इज इक्वल्स टू 25 है तो इक्वेशन के थ्रू हम करंट सॉरी चार्ज मालूम करेंगे. तो वो स्लोप इक्वेशन है वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई वन हमारे पास 0 है इक्वल्स टू सॉरी एम हमारे पास आता आ गया है जो कि 25 एक्स माइनस 0 के एक्स वन भी हमारे पास 0 है देन वाई इज इक्वल्स टू 25 एक्स. तो y एक्सिस में और x एक्सिस में t है, y एक्सिस में हमारे पास q है देन q ऑफ t इज इक्वल्स टू 25 t बन जाएगा यानी कूलम. टाइम क्या दिया हुआ है 0 टू 2 सेकेंड. फर्दर आगे जाएं तो हमें मालूम करना है अभी 2 से लेके क्योंकि कंटिन्यूसली डाउनफॉल हो रहा है यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा है. तो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान सेम कॉन्स्टेंट जा रहा है तो इन दो टर्मिनल के दरमियान मालूम करना है. तो सबसे पहले m इज इक्वल्स टू वाई टू हमारे पास सिंपली दिया हुआ है माइनस 50 और वो दिया हुआ है प्लस 50 वाई वन. उसके बाद x2 हमारे पास 6 और एक्स वन हमारे पास 2 है. तो हमारे पास माइनस 100 डिनोमिनेटर में 4 फॉर वन ज़ा फॉर तकरीबन. तो इसी टू हम काटने के बाद हमारे पास आता है माइनस 25 फोर 25 ज़ा हमारे पता है यह होता है. तो इक्वेशन वाई हमारे पास वाई वन हमारे पास क्या है वाई वन हमारे पास 50 है इज इक्वल्स टू एम हमने निकाला है माइनस 25 और एक्स और एक्स वन हमारे पास आ जाता है अल्लाह भला करे 2. तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाती है 25 एक्स प्लस 200. तो वाई एक्सिस में हमारे पास क्यू ऑफ टी है और उसके अंदर 25 टी प्लस 200 हमारे पास ये चार्ज आ गया 2 से लेके टाइम 6 तक का. उसके बाद हमें अभी मालूम करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान. तो इसके लिए हमारे पास वही वैसे ही सेम मेथड एम स्लोप निकालना पड़ेगा. तो स्लोप है हमारे पास वैल्यूज हमारे पास देखेंगे वाई टू हमारे पास 0 है और माइनस 50 हमारे पास माइनस फार्मूले माइनस माइनस फिल
प्लस 50 हो जाएगा, और हमारे पास एक्स टू हमारे पास 8 है माइनस 6 एक्स वन है, तो हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, सॉरी 2 टू वन ज़ा 225 ज़ा, तो हमारे पास m इज़ इक्वल्स टू 25 आ गया। तो हमें पता है हम निकालते हैं चार्ज जो कि निकालेंगे विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्लोप इक्वेशन, y माइनस y वन जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है माइनस, तो स्लोप इक्वेशन हम सिंपल स्लोप की इक्वेशन हमारे पास क्या y माइनस y वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y हमारे पास सिंपल y रखेंगे फार्मूले का माइनस फार्मूले का, और माइनस 50 वैल्यू है जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, एक्स वाई वन माइनस 50 है तो ये माइनस माइनस 50 प्लस हो जाएगा, और m हमने 25 निकाला है, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन हमारे पास आता है 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे y के लिए तो हमारे पास आ जाता है 25x और माइनस 200। y एक्सिस में हमारे पास q है क्योंकि t इज इक्वल्स टू, और x एक्सिस में टाइम है t, 25t माइनस 200। टाइम हमें दिया हुआ है 6 to 8, तो हमें मालूम करना है करंट। हमारे पास जो टोटल चार्ज है आ जाता है जो क्यू है, क्यू ऑफ टी फिजिकल्स को अगर हम रूप में लिखें तो 25t 0 टाइम से लेके 2 और 25t माइनस का प्लस 200 जो कि टाइम दिया हुआ है 2 से लेके 6 सेकेंड तक, और उसके बाद हमारे पास 25t माइनस 200 जो कि टाइम दिया हुआ है 60 से लेके 80 तक। तो हमें पता है करंट मालूम करने के लिए, करंट जो है करंट का जो फार्मूला है, करंट इज आई इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चेंज इन चार्ज डिफरेंशिएट क्यू ओवर डीटी, ये हमारे पास इसका फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टाइम का ये फार्मूला है। तो सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास आ जाएगा जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 25 आ जाएगा क्योंकि 0 टू टाइम 2 है, और जब इसे करेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा 2 से लेके टाइम 2 से लेके 6 तक, और 25 आ जाएगा यहाँ पर 6 से लेके टाइम 8 तक। तो इसका हमें स्केच भी बनाना है जो ग्राफ पूछा गया है हमसे, कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा अच्छा सा बनाऊं कि मेरी ग्रिप नहीं है इसके ऊपर पेन के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव 25 आई टी, और यहाँ आ जाते हैं आपके माइनस 25 आई टी, और यहाँ पे आपके पास 2 सेकेंड, यहाँ पर 10 सेकेंड और यहाँ पर 8 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें ये पॉजिटिव 25 से लेके 2 तक गए, उससे फिर बिलो आते आते माइनस 25 में जा रहा है, और ये कॉन्स्टेंटली 6 सेकेंड तक है, और उसके बाद ये 25 पॉजिटिव जा रहा है और ये कॉन्स्टेंट 8 सेकेंड तक ये पॉजिटिव। तो हमारा ग्राफ यू बनेगा यहाँ जिसमें आई एफ टी और टी इन सेकेंड, और ये सारा करंट जितना भी है एम्पियर में, क्योंकि वहाँ पर कूलम में चार्जेस दिए हुए थे।